कोई माँ बहन से इतनी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो वो वैसे इतने परेशान थे, ऊपर से आपका ये रवैया वो कैसे बर्दाश्त करते हैं? तो भाई ने जो मेरे साथ किया वो ठीक था? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। किसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं आप? सलियान की, जिसे ना अपनी माँ बहन की इज्जत का ख्याल था ना हमारी। किसी ने भी आपसे आके कुछ भी कहा और आपने यकीन कर लिया? जो सब कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी बातों में, उसके लहजे में इतनी सच्चाई थी कि मैं उसकी बातों को नहीं झुठला सका। क्या हार्ट अटैक? कहाँ हो तुम लोग, मुझे जल्दी से बताओ। क्या हो गया? किसका हार्ट ब्रेक हो गया दोबारा? हैं? कहीं सासू माँ तो नहीं निकल? ये तो अलग से हार्ट है। किसका फोन था? क्या हुआ? इमाद भाई को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका बचना बहुत मुश्किल है। उनको दुआओं की बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हाँ सब सही हो जाएगा। परेशान होने वाली तो बात है, हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी, कैसे मैं अम्मी का सामना करूंगी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अरे तो कब तक सामना नहीं करोगी तुम? छोटी मोटी लड़ाइयां तो हर घर में होती हैं। ये तो घर के सबसे बड़े दामाद के हार्ट अटैक का मसला है। चलो मान भी लेते हैं अगर उनकी फ्लाइट निकल गई तो, नहीं मतलब फिर सारी जिंदगी के लिए बात रह जाएगी ना, अस्पताल जाना जरूरी है। अरे भाई क्या हो गया है? देखो मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर वालों से जुदा हो। मुझे देखो, हैं? इतना जलील होने के बावजूद मुझे अस्पताल जाने में कोई मसला नहीं है, तो तुम्हें क्या मसला है? क्या मसला है? अरे मैं बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूं, आ जाओ जल्दी। मैं यकीन नहीं कर सकती कि माँ भाई आपके साथ ना इंसाफी करेंगे, ये अब मानूर को आपसे दूर करेंगे। चलो एक लम्हे के लिए अगर मैं यकीन कर भी लूं, तो वो सिर्फ आपके गुनाहगार नहीं होंगे, मेरे भी होंगे। कैसी मानी जान? मैंने सोचा आप तो पूछेंगी नहीं, मैं ही अपना फर्ज अदा कर दूं। ठीक हूं बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। ऐसे अभी भी वक्त है मानी जान, अपना फैसला बदल लीजिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आपकी इज्जत को कोर्ट कचहरी में उछालता फिरूं। ना बुरा दामाद भी नहीं हूं मैं, आपको तो पता है इमाद मियां की तरह ड्रामे करने नहीं आते मुझे, सीधी और खड़ी बात कहता हूं। इसीलिए समझा रहा हूं तरीके से सारा मामला खत्म करें बस। अरे तुम वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ। अरे इधर आओ, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। ये क्या तरीका भाई? माँ है तुम्हारी, गले से लगो इनको, बात को खत्म करो। चलो शाबाश शाबाश, आओ। मैं जानती हूँ कि मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी जान, मैं आपसे आपकी बेटी को कभी जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपका बड़ा दामाद कर रहा है ना, यकीन जानिए माँ बेटी के रिश्ते में वो फूट पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकती। इसीलिए कहता हूं जो भी फैसला करें उससे पहले 10 बार जरूर सोचें।
वरना फिर आपको सड़क पर लाने से कोई नहीं रोक सकता।